हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और नहा ली। तो कौन कौन जल्दी उठ गया? दिखाती हूँ अभी आपको। सुबह सुबह बारिश हो गई। बारिश कितनी तेज हुई थी ना अभी। आप कहाँ थे? अंदर ही थे। ये देखो कितनी तेज बारिश हुई थी। बहुत बारिश हुई सुबह सुबह। तो अब हम बनाते हैं नाश्ता। चाय रेडी है, नाश्ता बनाते हैं। ओके चलते हैं। ला 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 ला। आप कितनी देर में फ्री हो जाओगे? हाँ, क्योंकि फिर ब्रेड ठंडी हो जाती है ना। अच्छा तो कर दूं गरम? नहीं करूं अभी, ठंडी हो जाती है ना। फिर गरम गरम नाश्ता अच्छा लगता है ना। तो दिखा, ये देखो चाय ब्रेड। अब हम ब्रेड बनाते हैं। ओके तो हाय रब्बा यार, ये ना मोबाइल मुझे इधर रखना पड़ेगा। बस इधर नहीं रख सकती क्योंकि इधर दिखा नहीं सकती, वो ना उधर जगह नहीं है रखने के लिए। इसलिए ब्रेड गरम कर देती हूँ फटाफट। चाय बन गई है तो चलो करते हैं ब्रेड गरम। यार सुबह सुबह नहाना अच्छा लगता है, मतलब अच्छा होता है, नहाना चाहिए सुबह सुबह मॉर्निंग में। इसलिए हम नहा लिए हैं, ब्रेड गरम कर देती हूँ क्योंकि मेरे हबी आ गए हैं ड्यूटी से। अभी थोड़ी देर में वो नाश्ता करेंगे, इसलिए रेडी करती हूँ। अभी वो कुछ काम कर रहे हैं, ज़्यादा देर लग गया था। अभी बात करती हूँ मैं, नाश्ता रेडी कर गया। ओके तो ये देखो ब्रेड तल रही हूँ मैं। ये देखो ब्रेड तलने के बाद अभी बात करती हूँ मैं आपसे। तो नाश्ता रेडी है, आ गया मैं किचन से नाश्ता बना के, दिखाती हूँ चलो। क्योंकि हम नाश्ता करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर नहीं अभी करेंगे। आ जाओ, कहाँ रह गए आप? नहीं नहीं आप आ जाओ। तो नाश्ता करके फिर हम बात करते हैं। तो गाइस मैंने नाश्ता कर लिया है, मेरे हबी ने भी नाश्ता कर लिया है, यानी कि मेरी फौजी साहब ने। तो वो ड्यूटी चले गए हैं नाश्ता करके। अब हम बनाएंगे दिन का लंच की तैयारी करते हैं। दाल चावल बनाएंगे, ठीक है। दाल चावल बनाने के बाद अभी पता है सुबह मौसम यहाँ का एकदम मौसम चेंज हो रहा है। जैसे सुबह मैंने आपको दिखाया था कितनी तेज धूप थी, उससे सुबह 6 बजे समथिंग बारिश हुई थी बहुत तेज। और अब देखो इतनी देर धूप होने के बाद फिर मौसम चेंज। ये देखो बारिश की, बारिश का मौसम होने वाला है। हो गया नहीं हो गया बारिश का मौसम? तो यार बारिश का मौसम हो गया है तो हम चलते हैं दाल चावल बनाने। चावल नहीं बनाऊंगी अभी, चावल बनाऊंगी मैं गरम गरम। इतने दाल की तैयारी करते हैं। ओके चल। तो दाल के लिए मैं दाल लेके आती हूँ, रूम में दाल रखी है। उसके लिए हम ले लेते हैं एक बर्तन। तो मैंने ले लिया है ये, इसके अंदर दाल ले लेते हैं। मैं तो मर जाऊंगा ली। तो देखो ये मैंने 3 तरीके की दाल ले ली है। अभी इसमें अरहर की दाल और मिक्स करनी है। इसमें हम क्या करेंगे, अरहर की दाल मिक्स। ओके अरहर की दाल यहीं रखी थी, अरहर की दाल करते हैं हम मिक्स, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं। अभी मैं डब्बे नहीं लेके आई हूँ ना, सारा सामान तो लेके आई पर ऐसे ही रख रखा है अभी। इसको कर लेते हैं हम मिक्स। तो गाइस मैं इस दाल को वॉश कर लेती हूँ, बराबर में ही है। ये दोस्ती हम नहीं
दिखा देती हूँ आपको। बोलिए कहाँ पर है ये? तो सामने ये देखो, ये किचन की बाहर की है विंडो, मैं दिखा देती हूँ। ये देखो तो मैंने ये धो लिया है। ओके यार, मैंने धो लिया। मिक्स दाल ना अच्छी लगती है, और ख़ास तौर पर जब अच्छी बन जाए, टेस्टी बन जाए दाल, तब तो टेस्टी लगती है। मुझे अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है। 3-4 दिन तक हम लोगों ने बाहर खाया था, क्योंकि जैसे हम लोग आए थे ना, तो उधर से गैस तो मैं लेके आई थी, पर सिलेंडर नहीं हो पा रहा था। सिलेंडर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी एजेंसी पर, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो हमने 2-3 दिन मजबूरी में हमने बाहर खाना खाया, और खाना जब हमने बाहर खाया तो वही है ना, टेस्टी था बहुत, पर एक ही खाना रोज़ नहीं खा सकता ना आदमी। और मैंने तो फिर भी पहली बार एक चीज़ मैंने 4 दिन खाई है यार, सच में 4 दिन भी बहुत होते हैं, मायने रखते हैं। ये है जीरा, ओके, तो हम डालते हैं थोड़ा सा इसमें तेल। ये दोस्ती, अरे रब्बा ये तो खुल भी नहीं रहा, इसकी तो ना डाटी अलग है यार। ये देखो रेड कलर, तो हम डालते हैं तेल। दाल में ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, दाल में थोड़ा ही तेल डालो बेटर रहता है। चमचा रमचा जो भी है। तो फिर मैंने अभी सर धोया था ना सुबह, तो मैंने बाल ऐसे ही हुआ ला। पता है अभी 1-2 दिन में या फिर आज शाम को हम जा सकते हैं मार्केट डब्बे लेने के लिए, क्योंकि ये ना मसाले पिन्नी में ख़राब हो जाते हैं, तो डब्बे लेके आएंगे ताकि ये डब्बे में फ्रेश रहें, ठीक रहें, गंदे ना हो, मतलब इसमें ना कुछ कीड़े वीड़े ना हो, इसलिए हम शाम को लेकर आएंगे। ये है धनिया पाउडर, और ये है धनिया, वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, हल्दी। आप लोग कैसा मिर्च खाते हो दोस्तों, मुझे ज़रूर बताना। पर मैं तो तीखी खाती हूँ, मुझे बहुत तीखा पसंद है। पता है मैं, मेरी फेवरेट जो है ना दाल अरहर की है, तो अरहर की दाल से फिर भी मैं मतलब 6-7 मिर्च खा लेती हूँ, जो कि मुझे ये खाने नहीं देते हैं, क्योंकि गर्म होती है ना, इसलिए ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, आग हो जाती है पेट में। पर मैं तो खा लेती हूँ, मैं नहीं मानती। इसमें पानी है मसाले में थोड़ा सा, हम डालते हैं जीरा।
मसाला भुन गया हमारा। अभी भून रहा मतलब अभी तो छोक ही है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये पता स्लो में क्या है कि स्लो में मसाला अच्छे से भुन जाता है। मसाला जब तक अच्छे से भुने नहीं तो टेस्ट मज़ा नहीं आता, इसलिए हमेशा मसाले को इतना पकाना चाहिए कि वो तेल तेल और मसाला मसाला अलग हो जाए बहुत ज़्यादा। इसलिए यार मुझे ना खाना मतलब टेस्टी पसंद है, इसलिए मैं टेस्टी खाना बनाती हूँ हमेशा। ठीक है तो बस का लग गया। तो अभी न्यू आए हैं क्वार्टर में तो यार थोड़ा थोड़ा सिस्टम अभी मतलब जमाना पड़ रहा है, जैसे बोलते हैं ना धीरे धीरे उसको क्या बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके सामान लेके आई थी क्वार्टर घर से ससुराल से अपने इधर क्वार्टर में, पर यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा करके सामान जमाना पड़ेगा यार। अभी जो जो नहीं है वो हम लेकर आएंगे। तो फाइनली बस इतना है कि मैं यहाँ पहुँच गई। ठीक है तो खाना बन रहा है, अभी मैं दाल बन रही है, अभी मसाला भुनने दो उसके बाद हम बात करते हैं। ओके मसाला रेडी है, ये देखो मसाला रेडी है, अब हम दाल डालेंगे। ओके ये मैंने वॉश कर ली है, इसको डालते हैं। तो इसको वॉश कर लिए मैंने, ये डाल देते हैं क्योंकि तो हमारा मसाला रेडी है भुन के। अभी मैंने इतने मेरा मसाला भुन रहा था इतने मैंने थोड़ी देरी बनाई है। आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार, मेरे इस एक साल में यानी कि इसी साल के अंदर अंदर प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर पूरे करवा दो यार, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, मुझे 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है प्लीज़ गाइस, प्लीज़ मेरे दोस्तों प्लीज़ हेल्प मी। नमक मैंने ऊपर से डाला है क्योंकि नमक लास्ट में थोड़ा लास्ट में डाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें सिटी जल लगाती हूँ आराम से। ओके तो सब चीज़ तो रेडी है, देखो मैंने लगा दिया है, इसको भर देते हैं हम ऑन थोड़ा सा। ओके तो फाइनली हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी अभी थोड़ी देर में बन के। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ गाइस, मुझे थोड़ा फीवर हो रहा है, फीवर भी हो रहा था ऐसे मतलब ऐसे ही हो रहा था, फिर थोड़ी सी हथेली हो रही है, तो यही हम भी एंड करते हैं। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ब्लॉग को पूरा देखना प्लीज़। ओके तो अभी दिन में हम खाना बनाएंगे मतलब चावल बन जाएंगे दिन में गरम गरम। ओके तो खाना खाएंगे तब मैं तब क्या यार तब तो फिर मैं फ्री बिजी हो जाती हूँ कि खाना बनाओ मतलब करके दो ये करो वो करो सारे काम होते हैं, चाय भी बनानी पड़ती है क्योंकि वो चाय बहुत पीते हैं। इसलिए यहीं दी एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।